लिटरली इंडियन गेम्स की तो लाइन लग चुकी है। पहले राजी आया और उसके बाद कल ही फौजी गेम भी आया था। एनआरके गेम की अनाउंसमेंट हो चुकी है और एक नया इंडियन पीसी गेम आने वाला है जिसका नाम है मुंबई कलीज। वैसे तो इस गेम का ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है, आप चाहो तो देख सकते हो। मैंने इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इस वीडियो में मैं आपको इस गेम की ग्राफिक्स, रिलीज डेट, गेम प्ले, स्टोरी लाइन और ऑडियंस रिव्यू के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हे बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। बिना कोई लंबा इंट्रो और लाइक करो सब्सक्राइब करो वाले नौटंकी को लात मारकर साइड में करते हुए मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ मुंबई कलीज की कुछ नई इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके नाम से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये जो गेम है वो मुंबई सिटी में सेट है और ये एक ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है। इसका जो गेम प्ले है वो आपको बैकग्राउंड में चलता हुआ दिख ही रहा होगा। एक्चुअली गेम प्ले नहीं है, इसके ट्रेलर की क्लिप्स हैं तो वो आपको बैकग्राउंड में दिख रही होंगी। और अगर बात करें कि ये गेम मोबाइल के लिए होगा कि पीसी के लिए, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये गेम टोटली पीसी के लिए होने वाला है, मोबाइल के लिए गेम नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये एक हाई एंड गेम है तो मोबाइल पे इसको लॉन्च करना मुश्किल है। और ये गेम जब भी लॉन्च होगा तो इस गेम को स्टीम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा क्योंकि वही अभी एक सबसे पॉपुलर वेबसाइट है। और ये गेम पेड होने वाला है, फ्री में ये आपको नहीं मिलेगा। गेम पेड होगा, पैसे देकर आपको इस गेम को खरीदना होगा। अब ये गेम पेड इसलिए होगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई टीम जो है वो किसी गेम के ऊपर 7-8 सालों से काम कर रही है और वो उस गेम को फ्री में ही दे दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यार उनकी मेहनत की उन्हें कमाई तो मिलनी ही चाहिए, तो इसीलिए ये गेम पेड होगा। अब मनी कंट्रोल नाम की एक इंटरनेट पे एक वेबसाइट है जिसमें इस गेम के बारे में एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि दिस गेम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम GTA वाई सिटी। अब बहुत से लोगों को इसमें ये कन्फ्यूजन है कि इस गेम में जो GTA वाई सिटी के जैसे ग्राफिक्स होने वाले हैं या फिर उसका कुछ ना कुछ चीज़ें कॉपीड होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई कलीज के जो डेवलपर्स हैं वो GTA वाई सिटी से इसलिए इंस्पायर्ड हैं क्योंकि जो मुंबई कलीज गेम के डेवलपर हैं वो उन्होंने पहला गेम GTA वाई सिटी खेला था जो कि एक ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट में सेट था। इसीलिए जो इस गेम के डेवलपर हैं वो GTA वाई सिटी से इंस्पायर्ड हैं। अब इंस्पिरेशन तो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिंगर बनना है तो आपकी इंस्पिरेशन हो सकता है कि लता मंगेशकर हो, अब वो तो कितनी पुरानी सिंगर हैं, तो इसीलिए इंस्पिरेशन कुछ भी हो सकता है। और हाँ, एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि इस गेम को बना रहे हैं गेमयॉन नाम की एक टीम। और गाइस अगर मैं आपको इस गेम की रिलीज डेट बताऊँ तो वो आती है, डेवलपर्स के द्वारा कहा गया है कि ये गेम जो है वो 2022 तक रिलीज हो जाएगा और ये खुद डेवलपर्स ने खुद कही है। और ये गेम जो है वो टोटली अनरियल इंजन पे बन रहा है। ये जितनी भी बातें हैं ये 100% कन्फर्म्ड है क्योंकि ये चीज़ खुद डेवलपर्स ने कही हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ इसके ग्राफिक्स के बारे में तो इसके ग्राफिक्स जो है वो ऑसम से भी ऑसम ग्राफिक्स हैं। क्योंकि अगर मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बताऊँ तो ये जो इसके ग्राफिक्स हैं वो अबव देन GTA 5 होने वाले हैं और हो सकता है कि GTA 6 को भी टक्कर दे दें क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो बैकग्राउंड में कितने सारे रियलिस्टिक ग्राफिक्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया ही था कि ये जो गेम है वो मुंबई सिटी में सेट है, तो इसीलिए इसमें बहुत सारे मुंबई के मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी डाले जाएंगे जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस वक्त करंट टाइम में इस गेम की मैप के ऊपर काम चल रहा है। इस गेम में जितने भी व्हीकल्स होने वाले हैं वो सारे इंडियन व्हीकल्स होने वाले हैं, जैसे कि तांगा हो गया, रिक्शा हो गया और ट्रक्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें। अब एक आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये गेम टोटली हिंदी में बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर जो लोग बात कर रहे होंगे वो भी सब हिंदी में बात कर रहे होंगे, यानी कि आप लोग इस स्टोरी लाइन से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो पाओगे क्योंकि ये एक इंडियन गेम है और इसमें खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब मैं तो यार ये सोच के खुश हो रहा हूँ कि अब से जो है अपनी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रही है, अपनी भी एक इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री कोई ना कोई फ्रेंचाइज बनाएगी। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। क्यों? क्योंकि अब दुनिया को बचाने भी तो जाना है।